यार हम लोग तो मैं तो इरफान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इन्होंने पहले भी अभी कुछ दिनों पहले एक और फिल्म आई थी उसकी बहुत तारीफ़ हुई तो इसमें भी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं सो वी वर वेरी एक्साइटेड इन्हों टाइम नहीं मिलता है सो आई थॉट इट विल बी ये डेट भी डेट की डेट हो जाएगी मूवी की मूवी और थोड़ा सा टाइम बहुत बिता लेंगे साथ में मुझे तो पान सिंह तोमर बहुत याद रहता है लव डिविना मुझे पान सिंह तोमर बहुत अच्छे लगे थे और इनफैक्ट हम लोग को कभी भी बाहर निकलने का उतना मौका नहीं मिलता और पार्टी वगैरह हम दोनों ज़्यादा नहीं करते लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि हम ये फिल्म देखने आ रहे हैं तो हम लोग को फिल्म में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है पहली बार है कि हम लोग बिफोर टाइम आ गए मुझे तो बहुत डांट पड़ते थे मेरे तो बहुत किस्से मुझे केन का डंडा होता था हमारे वाइस प्रिंसिपल के पास और सर्दियों में ना पीछे ब्लेज़र उठा के मारते थे वो ताकि ब्लेज़र हम वो ब्लेज़र के ऊपर मार नहीं वो उठा के मारते थे तो मैं घर जाके शीशे में देखता था ना तो लाइंस पड़ी होती थी बम पे मेसी सर इफ यू वॉचिंग दिस यू आर वेरी क्रूअल अब बोल सकते हो अब बोल सकता हूँ डंडा लेके नहीं आएंगे अभी मेसी सर वहाँ से आए अंदर दरवाजे से तो आप क्या करोगे मैं बाथरूम में भाग जाऊंगा मैं छुप जाऊंगा मुझे बहुत डर लगता था वो ना टाई पहनते थे ही वॉज लाइक 6'2" बॉल्ड मुस्टैश और ऐसे हट्टे कट्टे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती थी ऐसे चल के आते थे ना तो हमारा तो सच में मतलब ऐसा पैंट में सुसु वाला हाल होता था यार मैं बहुत बोरिंग थी बहुत ही ओबीडियंट थी इतनी पकाऊ बच्ची थी ना क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी थी तो आई विश मैंने ऐसी कोई मस्तियाँ की होती ऐसे थोड़े डांट और पिटाई विटाई खाई होती तो आज मेरे पास भी किस्से होते ज़्यादा बताने तो तुम के कभी मॉनिटर बनी थी स्कूल की मैं क्लास में स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाइस सर्जेंट नहीं एनसीसी सर्जेंट फिर स्कूल वाइस कैप्टन ऐसी सारी चीज़ें रही हूँ मैं तो मैं हमेशा अच्छे अच्छे बुक्स में रहती थी हमेशा हम लोग कभी नहीं देखते एक्चुअली लेकिन हमने कुछ एक ग्लिम्सेस देखे थे इधर उधर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पर हम लोग अनफॉर्चुनेटली कभी मौका नहीं मिलता कि हम लोग देख पाएँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल बाल दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ फोटो भी बहुत पहले नहीं यार 3 दिन हुए हैं प्लीज बहुत पहले तो मत बनाओ बनाओ उसको जी 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 यू नो ऑनेस्टली मैं बहुत ये फिल्म मैं देखना चाहती हूँ फॉर वेरियस रीजंस क्योंकि मैंने भी एक फिल्म इरफान के साथ की है जो रिलीज़ होगी इसके बाद विच इज़ रायता सो वो है देन तनुजा यू नो तनुजा आई नो तनुजा सो शी इनवाइटेड सो बहुत रीजंस हैं कि मैं ये फिल्म एनी वे देखना चाहती थी सो आज सो हैपन्स कि मैं स्क्रीनिंग के लिए आई हूँ अदरवाइज टुडे वॉज माई प्लान टू एक्चुअली गो एंड सी इट इन द थिएटर सो आई एम वेरी एक्साइटेड इरफान आई थिंक His last film Hindi medium did so well and he's a wonderful actor ye hum sab jante hain aur kuch naya kuch fresh hai is film mein aur Parvati hain jo Malayali actress hain to main dekhna chahti hu ki Tanuja ne kaisa kaam kiya as a director and kyunki main kahani se waqif thi and Irfan of course is going to be a treat to watch so I'm very excited actually मुझे उनकी पान सिंह तोमर बहुत पसंद है मुझे उनकी हालांकि नेम सेक में उनका ज़्यादा रोल नहीं था बट मुझे वो उनकी फिल्म बहुत पसंद है मुझे उनकी हिंदी मीडियम बहुत पसंद है और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मुझे हासिल बहुत पसंद है उनकी फिल्म जो उन्होंने पहले बहुत काफ़ी की थी सो हैं काफ़ी फिल्में हैं जो उनकी मुझे पसंद है आई एम नॉट टू बिजी इन लाइफ राइट नाउ आई एम काइंड ऑफ चिलिंग एज आई सेड रायता एक फिल्म है जो फेब में रिलीज़ होने का प्लान है टी सीरीज़ का एंड उसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो
बातें हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं. सो आई एम काइंड ऑफ स्टक देयर नाउ. वाओ, फाइनली. सो है, बहुत चीज़ें हैं. फिलहाल मैं चिल कर रही हूँ, हॉलीडे कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ. बचपन की तो बहुत याद आती है यार. मतलब बचपन जैसी कोई उम्र नहीं है, कोई फेज नहीं है, कोई उस तरह का. मतलब यू ऑलवेज विश, आई थिंक जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें मन करता है हमें बड़ा होना है, हमें जल्दी बड़ा होना है, एडल्ट्स के बीच में जाना है, ग्रो, यू नो, वी वांट टू बी नोन एज ग्रोन अप्स. और अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें लगता है कि काश बड़े ही नहीं होते. सो आई हैव हैड अ वंडरफुल टाइम, यू नो, एज अ चाइल्ड एंड doing a lot of I was into sports. I started playing badminton at a very early age. At a, then I मैं मेरे नानी नाना दादी दादा के पास बहुत जाती थी गाँव में. सो मुझे वो दो महीने गर्मियों के बहुत अच्छी तरह याद है. एंड ऑफकोर्स आई थिंक एज अ चाइल्ड माई डैड वॉज इन द नेवी, मैं केवी में पढ़ी हूँ. सो हमें जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, यू नो, टू पार्टिसिपेट इन एवरी थिंग, टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी थिंग, आई थिंक आई हैव हैड अ ब्यूटिफुल चाइल्डहुड. हैप्पी चिल्ड्रंस डे एवरी वन. मैंने एक ट्वीट लिखा है विच सेज चिल्ड्रन फॉर मी इज अ, यू नो, इज अ मूरत ऑफ प्योरिटी, इनोसेंस, डिविनिटी, सिंप्लिसिटी. सो रीडिस्कवर द चाइल्ड विद इन एंड सेलिब्रेट द चाइल्ड विद इन. अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे. थैंक यू. अमित तनुजा मैम ने डायरेक्ट किया है, तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी फिल्म है और रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि जाके जल्दी से देखनी है फिल्म. ऑब्वियसली ही, ऑल द फिल्म्स दैट ही हैज़ डन इज फैंटास्टिक. अभी शायद इंग्लिश मीडियम, हाँ, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम वॉज वन ऑफ हिज रियल 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 गुड फिल्म. और मैंने सुना है, आई मीन दिस इज़ ऑल्सो इक्वली गुड. गुरमीत को तो पता भी नहीं था कि ये फिल्म रिलीज़ हो गई. आई एम लाइक, रिलीज़ होगी, थैंक गॉड मैंने देखा नहीं है. और मैं शायद वेट ही कर रही थी आज के दिन का कि मैं तुम्हारे साथ देखूँ. हम लोग लद्दाख में थे, कल रात को आए और फिल्म का इंतज़ार था. थैंक गॉड आते ही मौका मिल गया देखने का. आपको लगता है ये साल कंटेंट के नाम रहा है, क्योंकि हर कंटेंट ड्रिवन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कंटेंट अच्छा है तो लोग देखने ज़रूर जाते हैं. उसके उसकी पब्लिसिटी लोगों को अच्छी लगती है, लोगों को प्रोमो अच्छे लगते हैं, और एक बार जब फिल्म अच्छी लग जाती है, कॉन्टेंट अच्छा लगता है, तो लोग देखने ज़रूर जाते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.